Hello students of class 12th. Today we will discuss about refraction of the light. Because we have earlier studied about the mirror equation, and in this equation we find the formula for focal length, which is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Okay, this is known as mirror equation. But today we discuss about refraction. But friends, there are some examples which is related to numerical problems about equation, mirror equation. So you can solve it by this formula, 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v, okay? So let us start about refraction. So there are some difference about reflection and refraction of light. When a beam of light encounters another transparent medium, a part of light gets reflected back into the first medium while the rest enters the other. A ray of light represents a beam. The direction of propagation of an obliquely incident, which is I is equal to greater than 0 but less than 90 degree, the ray of light that enters the other medium changes at the interface of two media. This phenomena is called refraction of light. इसमें जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे ट्रांसपेरेंट माध्यम से होकर के टकराती है, तो उस लाइट, उस किरण की कुछ हिस्से वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाते हैं, जबकि उसका कुछ भाग उस मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाता है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं. या फिर इस प्रकार से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब कोई रे, जब कोई प्रकाश की किरण जिसे बीम ऑफ लाइट के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन ऑब्लिकली इंसिडेंस रे ऑफ लाइट दैट एंटर द अदर मीडियम, यानी एक ऐसी इंसिडेंस रे जो जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से ज्यादा परंतु 90 डिग्री से कम हो, वो किसी मीडियम को में जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है, तो इन दो मीडियम को किसी एक जैसे कि मिरर द्वारा ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसको डिवाइड करता है अलग अलग मीडियम के लिए. तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो प्रकाश की इस क्रिया को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. एंड स्नेल एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, आपने ये नाम सुना होगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो स्नेल ने इस नियम को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के रूप में प्रस्तुत किया है. नंबर फर्स्ट, द इंसिडेंस रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, तो इट मीन्स इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी एक ही जो है तल में स्थित होते हैं. नंबर सेकेंड, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट. सो रिमेंबर दैट द एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट द इंसिडेंस इट्स रिफ्रैक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल रेस्पेक्टिवली. तो सो वी हैव साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, वेयर एन टू वन इज ए कॉन्स्टेंट कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. ओके, तो इसमें सेन ने एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक नियम प्रस्तुत किया है, जिसे हम स्नेल नियम्स के नाम से जानते हैं या लॉ ऑफ स्नेल कहते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं, तो
उसके द्वारा बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, इन दोनों के जो साइन होते हैं, मीन्स इनके जो ज्या होती है, इनके बीच का जो रेशियो होता है वो n to 1 के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और यहाँ पे 2:1 मीन्स होता है कि सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, मीन्स पहले मीडियम की अपेक्षा के सापेक्ष दूसरे मीडियम में एंटर करना। ओके, तो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n to 1। ओके, तो वी नो दैट n to 1 इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बट इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना होगा कि n to 1 जो कि किसी एक मीडिया के जोड़े का एक विशेष गुण होता है, और ये उसकी लाइट की वेवलेंथ पर भी निर्भर करता है, परंतु ये पूरी तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्वतंत्र होता है। फ्रॉम इक्वेशन 9.10, इफ n to 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड r इज less than I, that is the refracted ray bends toward the normal. In such a case, medium 2 is said to be optically denser, or denser in short, that medium 1. On the other hand, if n to 1 is less than 1 and R is greater than I, the refracted ray bends away from the normal. This is the case when incidence ray in a denser medium refract into a rare medium. Okay, son. तो जैसा कि इक्वेशन 9.10 से हमें ये प्राप्त होता है कि यदि n to 1 की वैल्यू 1 से बड़ी हो और r की वैल्यू i से अगर छोटी होती है, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेंड होकर के नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के जाएगी, मीन्स नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इस केस में जो मीडियम नंबर 2 होगा, यानी दूसरा जो मीडियम होगा, वो ऑप्टिकली डेंसर होगा मीडियम नंबर 1 की अपेक्षा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि यदि n to 1, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और r की वैल्यू i से कम होती है, तो इस केस में वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मीडियम नंबर 2 है, यानी जो सेकंड मीडियम होगा, वो पहले मीडियम की अपेक्षा डेंसर होगा। और दूसरे केस में हम देखते हैं कि यदि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है, आर की वैल्यू आई से बड़ी होती है, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। और इस केस में जो इंसिडेंस रे होगी, इसमें जो मीडियम नंबर 1 होगा वो डेंसर होगा, और मीडियम नंबर 2 जो होगा, यानी सेकंड जो मीडियम होगा, वो रेयर मीडियम होगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से अगर छोटी होती है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव जो रे होगी वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, और जो सेकंड मीडियम होगा वो रेयर मीडियम होगा मीडियम नंबर 1 की अपेक्षा। तो इसलिए इसे आप इस तरह से डन रखेंगे। और प्लीज यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ऑप्टिकल डेंसिटी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद मास डेंसिटी, विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी ऑफ एन ऑप्टिकली denser medium may be less than that of an optically rare medium. For example, turpentine and water. Mass density of turpentine is less than that of water, but its optical density is higher. Okay? Questions, आपको एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना है कि जो optical density होती है वो कभी भी mass density के इक्वल नहीं होती है। इस बात को लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कभी भी मास डेंसिटी को कंफ्यूज नहीं करती है। विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। और
ये भी संभव है कि जो मास डेंसिटी किसी ऑप्टिकल डेंसर की जो मास डेंसिटी होती है वो हमेशा ऑप्टिकल रेयर मीडियम से कम होती है। और उदाहरण के रूप में जैसा हम देख सकते हैं कि जो टर्पेंटिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन दोनों में टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी है वो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से कहीं वाटर की सॉरी मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी है वाटर से कहीं कम होती है, बट इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी इज हायर, परंतु इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है। ओके, एंड नेक्स्ट, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 इज द रिफ्रैक्ट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड N12 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन इट शुड बी क्लियर दैट N12 इज इक्वल टू 1 अपॉन N21। ओके फ्रेंड्स, यू लर्न दिस फॉर्मूला। इट ऑल्सो फॉलोज दैट इफ N32 मीन्स N32 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2, देन N32 is equal to N31 into N12, where N31 is the refractive index of the medium 3 with respect of medium 1. Okay, this one, आपको ये भी याद रखना है कि यदि N21 means N21 second medium का जो refractive index है वो first medium के refractive index के सापेक्ष इस प्रकार से और लिखा जा सकता है, मीन्स N12 इज रिटन इक्वल टू 1 अपॉन N21। ओके, इसी प्रकार से अगर हम N32 की बात करें तो N31 विच इज इक्वल टू N31 इंटू N12, वेयर N31 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट